नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स एवं जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप कभी भी संघर्ष करते हुए मत घबराइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें साथियों मेला की उद्देश्य की, तो इस मेला का उद्देश्य फ्रेंड्स पारंपरिक आदिवासी कला और शिल्प को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है, और कारीगरों को अपने उत्पादों की व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए क्रॉस सांस्कृतिक इंटरेक्शन के माध्यम से अपने कौशल को विकसित करने के बेहतर अवसर खोजने में मदद करना है। फ्रेंड्स, अब बात है ओडिशा की, तो ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और फ्रेंड्स, ओडिशा का नाम आते ही विलर द्वीप का नाम हमारे माइंड में आना चाहिए। विलर द्वीप का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। वैश्विक समृद्ध सूचकांक 2019 में उच्चतम रैंक प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो साथियों, वैश्विक सूचकांक 2019 में उच्चतम रैंक प्राप्त करने वाला जो शहर है वो ज्यूरिक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ज्यूरिक। ज्यूरिक फ्रेंड्स, ये स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध शहर है और इसे ही वैश्विक समृद्ध सूचकांक 2019 में उच्चतम रैंक प्राप्त हुआ है। तो साथियों, अगर हम बात करें इंडिया की, यानी इंडिया के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिन्हें किस किस पोजीशन में रखा गया है, तो साथियों बेंगलोर आर्थिक और सामाजिक समावेश के मामले में दुनिया के 113 शहरों के एक नए सूचकांक में 83वें स्थान पर भारत का उच्चतम रैंक प्राप्त करने वाला शहर है कौन? बेंगलोर। और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख शहर है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और इस सूची में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है साथियों वो 101 पोजीशन पर रहा है। और इसी में अगर हम मुंबई की बात करें फ्रेंड्स, तो मुंबई 107 यानी 107वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ शीर्ष 20 को दुनिया के सबसे उच्च रैंक वाले शहरों में समावेशी समृद्धि के निर्माण के लिए PICSA सील से सम्मानित किया गया। और दूसरे स्थान पर बात करें साथियों, तो दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना को रखा गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड, ये साथियों बांग्लादेश का एक फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट ने जीत लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अब बात करें हम अगर इस फ्लोटिंग स्कूल, तो जो बांग्लादेश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट ने अगर इस खिताब को जीता है, और बांग्लादेश साथियों पानी का देश है, क्योंकि इसके परिदृश्य का एक बड़ा हिस्सा मानसून के महीनों के दौरान पानी के भीतर डूबा रहता है। और जब फ्रेंड्स रजिया आलम ये इंग्लैंड से एक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त के बाद वापस आई बांग्लादेश में, तो वह बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहती थी जो सीखने के लिए विशाल, आधुनिक और स्वस्थ हो। तो रजिया इसे ऐसी भूमि पर बनाना चाहती थी जो मानसून के दौरान 6 महीने पानी के भीतर रहती हो। उसने स्कूल डिजाइन करने के लिए बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध वास्तुकार सैफ उल हक से संपर्क किया। उन्होंने इस परियोजना को अपनाया और एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया जिसने आगा खान पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। यह पानी के ऊपर तैरता एक ऐसा स्कूल है जिसका नाम है फ्रेंड्स द आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट। क्या है? द आर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। और बांग्लादेश में फ्रेंड्स, यानी बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। और साथियों बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में जो PM हैं वो शेख हसीना जी हैं और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारतीय संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारतीय संविधान की फ्रेंड्स 70वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। साथियों
1949 में इस दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के अधिग्रहण को चिन्हित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 में यह संविधान को अपनाने की 17वीं यानी 70 वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से लागू हुआ था, यानी हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से लागू हुआ, जो भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत थी। यह संविधान में व्यक्त मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति नागरिकों की यानी नागरिकों को जागरूक करता है और सभी भारतीयों को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब साथियों, बात यही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन साथियों दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान है और संविधान को पूरा करने में लगभग साथियों 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कौन सा देश 2020 में नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा, अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना मार्च में सैन्य अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन करेगा, जिसमें कई देशों की भागीदारी होगी। इस अभ्यास के लिए भारत के साथ रक्षा सहयोग साझा करने वाले दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के करीब 41 देशों को आमंत्रित किया गया है। और मिलन का अर्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का अर्थ है। भारत सरकार हिंद महासागर में मैत्रीपूर्ण देशों के साथ सहयोग की पहल करता है, जिसमें स्टाफ टास्क एम्पावर्ड स्टीयर ग्रुप जैसे व्यापक कार्यक्रम शामिल हैं। फ्रेंड्स अब बात आई है नौसेना की, तो नौसेना प्रमुख प्रेजेंट टाइम में एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ की राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक में निर्णय किया गया। वर्तमान में राज्य में 3 बाघ अभयारण्य बीजापुर जिले में इंद्रावती, गरियाबंद और बिलासपुर में उदंती सीता नदी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी साथियों NTCA ने 2014 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी दी थी। तो फ्रेंड्स बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनसुईया उइके जी हैं। कौन? अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने गिद्धों की घटती आबादी के लिए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स ये गिद्धों की घटती आबादी के लिए गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश की सरकार। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए महाराजगंज जिले के समीप राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री के अनुसार देशों में यानी हमारे देश में गिद्धों की आबादी में तेज़ी से गिरावट आई है, जो 3 दशकों में यानी लगभग साथियों पिछले 30 वर्षों में 40 मिलियन से घटकर गिद्धों की संख्या 19,000 रह गई है। ये बहुत चिंताजनक बात है फ्रेंड्स। तो अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाल ही में कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को इसरो से लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इसरो। भारत का पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-47 प्रक्षेपण यान XL यानी साथियों PSLV-XL रॉकेट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यह तीसरी पीढ़ी का दक्ष उन्नत उपग्रह कार्टोसैट 3 और 13 US नैनो सैटेलाइट ले जा रहा है, जो श्रीकोटा के प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया और यह दूसरा रॉकेट है। देश के प्रक्षेपण केंद्र सुबह करीब साथियों 9 बजकर
28 मिनट पर दूसरे लॉन्च पैड से लगभग 44.4 मीटर लंबे और 320 टन वजनी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। और साथियों अब बात आई इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय यानी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष के सिवान जी हैं। और के सिवान का पूरा नाम है साथियों कैलाशवा दीव सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गोवा के 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स रजनीकांत जी को यह अवार्ड महानायक अमिताभ बच्चन जी के द्वारा प्रदान किया गया। और साथ ही फ्रेंड्स अभिनेत्री एजाबेल हप्पर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हैं, इसलिए एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट यानी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2018 के मुताबिक कौन सा राज्य सड़क हादसे में पहले स्थान पर है? तो 2018 की एक रिपोर्ट जारी की गई सड़क दुर्घटना से रिलेटेड, तो उसमें फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु राज्य में हुई है। कहाँ? तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने YSR नवोदयम योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स YSR नवोदयम योजना की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस योजना के तहत 15 अप्रैल से 14 जून के बीच समुद्र में शिकार पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों यानी जो मछुआरा परिवारों की मदद के लिए पिछली सरकार ने प्रति परिवार को 4,000 रुपये का भुगतान किया था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। साथियों आंध्र प्रदेश की बात आई है तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। और फ्रेंड्स कब किया गया था? 1953 में किया गया था। और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती है और प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी जी हैं और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी राज्य आयोग ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान रखा है? तो यूपी राज्य आयोग ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 7 वर्ष। फ्रेंड्स यूपी राज्य विधि आयोग ने कहा है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए शादी कर रहा है तो शादी भी अवैध मानी जाएगी और फ्रेंड्स उससे 7 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। पिछली वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए फ्रेंड्स किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया था, किसी को भी नहीं बनाया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साथियों टुडे क्यूज इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी वर्तमान समय में कौन है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर जी, रविशंकर प्रसाद या हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत। तो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बना आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिल जाए करे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी बेस्ट एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से सभी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।